नमस्कार। कोविड महामारी से इस समय पूरी दुनिया लड़ रही है। इस जंग में खुद को बचाए रखने के लिए जरूरी है वैक्सीनेशन, टीकाकरण करवाना। पर एक ही बीमारी की अलग अलग वैक्सीन बनने से सबके मन में वैक्सीन से जुड़े हजारों सवाल उठ रहे हैं। कौन सी वैक्सीन सबसे बेस्ट है, सबसे ज्यादा असरदार रहेगी? अगर चॉइस मिलती है तो कोविशील्ड लगवाई जाए या कोवैक्सीन या बाकी दूसरी वैक्सीन? वैक्सीन लगवाने के बाद कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होगा? तो घबराइए मत, इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहें। आज इस वीडियो में आपके सभी सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। सबसे पहले सवाल आता है, अगर आपको कोविड हुआ है या प्रेजेंट में कोविड हो रखा है तो क्या वैक्सीन लगवाना सही है? नहीं। WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन की गाइडलाइन के अनुसार आपको कोविड से ठीक होने के बाद 3 महीने बाद अपनी वैक्सीन लगवानी है। अगला सवाल आता है, अगर कोई महिला प्रेग्नेंट है या लैक्टेटिंग स्टेट पर है तो क्या उसे वैक्सीन लगवानी चाहिए? तो जो लेडी प्रेग्नेंट है या लैक्टेटिंग है उनको अभी कोविड वैक्सीन कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, क्योंकि अभी ऐसी स्टेट में ये वैक्सीन सेफ रहेगी या नहीं इसके बारे में कोई निश्चित इन्फॉर्मेशन नहीं है। फिर सवाल आता है, क्या वैक्सीन का सिंगल डोज काफ़ी है अगर हम एक ही डोज लगवा लें तो? देखिए, वैक्सीन को अपना पूरा असर दिखाने के लिए उसका पूरा डोसेज रेजिमेन फॉलो करना ज़रूरी है। फर्स्ट डोज से वैक्सीन के आपकी इम्यून सिस्टम इस एंटीजन को आइडेंटिफाई करती है, समझती है। सेकेंड डोज से जब ये वैक्सीन दोबारा लगाई जाएगी तो इसकी जो मेमोरी आपके इम्यून सिस्टम ने बना रखी होती है उसके एक्टिवेशन में हेल्प होती है और अच्छी इम्यूनिटी डेवलप होती है। तो आप एक सिंगल डोज नहीं लगवानी है, दोनों डोज लगवानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बच्चों को वैक्सीन लगवाना सही है? तो अभी जितनी वैक्सीन इंडिया में है वो सारी 18 ईयर्स अबव, 18 साल या उससे ऊपर की एज ग्रुप के लिए है। सिर्फ अभी तक फाइजर वैक्सीन को अलाउ किया है 16 साल और उससे ज़्यादा उम्र के लोगों के लिए। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, जो बहुत लोगों के दिमाग में डर बिठाए हुए हैं, वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं? तो वैक्सीन के साथ कुछ माइनर रिएक्शन बॉडी में होते हैं, जैसे हल्का बुखार, हाथ में अकड़न जिसमें वैक्सीन लगी है, माइल्ड हेडेक, थकान, इंजेक्शन साइट पर पेन रहता है जो कि 2 से 3 दिन में सबसाइड हो जाता है, चला जाता है। कोवैक्सीन के साथ अभी ऐसे साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ही कम देखे गए हैं। बाकी आपको पैरासीटामोल दे दी जाती है बुखार और दर्द के लिए, और इंजेक्शन वाली जगह पर कोल्ड पैक अप्लाई करने को एडवाइस करते हैं। फिर सवाल आता है, क्या कोविड वैक्सीन की कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन भी है? इसका जवाब है हाँ, ये वैक्सीन कॉन्ट्राइंडिकेटेड है उन लोगों में जिनको इसके फर्स्ट डोज लेने के बाद कोई एलर्जिक रिएक्शन हुआ है या कोई सीरियस साइड इफेक्ट दिखा है, खाली उन लोगों में ये दवाई कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, बाकी सभी लोगों को वैक्सीन लगवानी ज़रूरी है। अब अगला सवाल आता है, अब बहुत से लोग कंफ्यूज रहते हैं इस सवाल को लेके। उन्होंने पहली डोज कोवैक्सीन लगवा ली, अब वो चाहते हैं कि हम सेकेंड डोज कोविशील्ड लगवा लेते हैं एंड वाइस वर्सा, तो क्या ऐसा करना सही है? आपने जो वैक्सीन पहले लगाई है, मान लीजिए कोविशील्ड, तो आप कोविशील्ड का ही सेकेंड डोज लेना। ऐसे वैक्सीन को पहले और दूसरे डोज में चेंज नहीं करना है आपको, इससे कोई फ़ायदा आपको नहीं मिलेगा एक्स्ट्रा। अगले सवाल की बात करते हैं, तो जिन लोगों को डायबिटीज़ है, अस्थमा है, हाई ब्लड प्रेशर है, शुगर है, क्या ऐसे लोगों को वैक्सीन लगवाना सेफ है? वैक्सीन सभी लोगों को लगवानी है, चाहे आप शुगर के मरीज हैं, बीपी की परेशानी रहती है, अस्थमा है, अर्थराइटिस है, कीमोथेरेपी है, सबको वैक्सीन लगवानी ज़रूरी है। ऐसे लोगों को तो और ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि ये और ज़्यादा प्रोन होते हैं बीमारी के, इसलिए इनको अपनी इम्यूनिटी डेवलप करने के लिए वैक्सीन ज़रूर लगवानी है। कुछ स्पेशल केस में, जैसे ब्लड डिसऑर्डर हो गए पेशेंट जिनको हीमोफीलिया है, या और जिनके प्लेटलेट काउंट कम है, ऐसे लोगों को वैक्सीन लगवाते हुए अपने डॉक्टर से एडवाइस लेनी है, क्योंकि इनमें इंजेक्शन की साइट पर हेमाटोमा हो जाने के चांसेस रहते हैं। अब आगे बात करते हैं, top 5 अवेलेबल वैक्सीन, इन्हें किस कंट्री ने बनाया है, इनका एफिकेसी रेट कितना है, कितने डोज दिए जाते हैं। शुरुआत करते हैं इंडिया में अवेलेबल वैक्सीन से। सबसे पहले कोविशील्ड, ये एक वायरल वेक्टर टाइप वैक्सीन है जिसमें मॉडिफाइड चिंपेंजी एडीनो वायरस यूज़ किया गया है। इसके 2 डोज लगाए जाते हैं 4 से 6 हफ्ते पर। इसका एफिकेसी रेट है 70-90%। इस वैक्सीन को डेवलप किया है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने।
अब दूसरी वैक्सीन की बात कर लेते हैं, कोवैक्सीन। कोवैक्सीन जो कि इंडिया भारत बायोटेक ने बनाई है, ये इनएक्टिवेटेड वायरस वैक्सीन है। इसके दो डोज लगते हैं 28 डेज के गैप पर। इसका एफिकेसी रेट है 70-80%। इसके बाद बात करते हैं स्पुतनिक 5। ये एक वायरल वेक्टर वैक्सीन है जिसमें माइल्ड एडीनो वायरस यूज किया गया है। इसके दो डोज लगाए जाते हैं 21 दिन के इंटरवल पर। इसका एफिकेसी रेट है 85-90%। इसके पहले डोज से ही 70-80% एफिकेसी रेट मिल जाता है। मतलब स्पुतनिक 5 वैक्सीन फर्स्ट डोज से ही काफ़ी असरदार है, इसलिए कुछ देशों में इसका एक ही डोज दिया जा रहा है और ये रशिया में बनाई गई है। फोर्थ वैक्सीन की बात कर लेते हैं जो कि है फाइजर। फाइजर बायो एंड टेक के नाम से ये mRNA टाइप वैक्सीन है जो इंक्लूड करती है न्यूक्लियोसाइड मॉडिफाइड mRNA। इसके भी दो डोज लगाए जाते हैं 21 डेज के गैप में। इसका एफिकेसी रेट है 90-94%। फाइजर वैक्सीन को अलाउ कर दिया गया है वैक्सीनेशन ऑफ 16 ईयर्स ओल्ड एंड अबव, 16 साल या उससे ज़्यादा उम्र के लोगों में ये वैक्सीन लगाई जा रही है। ये वैक्सीन दो कंट्री US और जर्मनी ने डेवलप की है, फाइजर US ने और बायोएनटेक जर्मनी ने। फिर बात करते हैं मॉडर्ना वैक्सीन की। फाइजर और मॉडर्ना पहली दो वैक्सीन हैं जो कि इस्तेमाल की गई थी क्लिनिकल ट्रायल्स में SARS-CoV-2 के। ये भी एक mRNA टाइप वैक्सीन है। इसके दो शॉट्स लगते हैं 4 वीक के गैप पर। इसका एफिकेसी रेट है 90-94%। ये US में बनाई गई थी। मॉडर्ना 18 साल या उससे ज़्यादा उम्र के लोगों में लगाई जा रही है। वीडियो एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहे।